जय सिंधु, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं वायरे गुरु जी आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है, क्या पेड़ के नीचे खजाना होता है, क्या गड़ा हुआ धन पेड़ के नीचे होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हमारा वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। क्या है दोस्तों कि आप हमारा वीडियो पूरा देखते नहीं और हमारी बातें आप समझ नहीं पाते। हमारे चैनल का संदेश क्या है, हमारे बोलने का संदेश क्या है, आप वो समझ नहीं पाते। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्या पेड़ के नीचे गड़ा हुआ धन होता है, क्या पेड़ के नीचे खजाना होता है, क्या ये बात सच है? कोई आम इंसान दोस्तों इतनी सोच नहीं रखता या इतना सोचता नहीं। क्या है दोस्तों, देखिए पेड़ के नीचे खजाना होता है, लेकिन हर पेड़ के नीचे खजाना होता नहीं। क्या कोई ऐसा विशेष प्रकार का जो पेड़ होता है उसके नीचे खजाना हो सकता है? तो कैसे हो सकता है, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। क्या है दोस्तों, पहले ज़माने में कोई बैंक नहीं थी, पैसे रखने की सुविधा नहीं थी, और पहले ज़माने में ऐसे दोस्तों कागज़ के नोट नहीं थे। पहले ज़माने में सोने के, चांदी के, सिक्के के कॉइन थे, वो पैसे थे। जो सिक्के थे ना, वो पैसे थे, और वो भी सोने के और चांदी के थे। मतलब हमारे देश में इतना सोना था, हमारे देश सोने की चिड़िया था। पूरी दुनिया में जितना सोना नहीं, उतना सोना हमारे देश में था। क्योंकि हमारे देश की जो धरती है, जो धरती माता है, जो भूमि है, ये श्री राम की जन्मभूमि है। श्री राम की भगवान श्री हरि के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की ये जन्मभूमि है दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान की ये जन्मभूमि है। क्या तो इतनी पावन भूमि हमारे की, यहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का यहाँ पर वास है। साक्षात माता लक्ष्मी यहाँ पर रहती है, रह चुकी है और अभी भी रहती है। इसी वजह से ये पावन भूमि पर दोस्तों इतना सोना था, इतना सुख समृद्धि थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते, लेकिन ये बाहरी विदेशी लोग आए, इन्होंने हमारे देश को तहस-नहस कर दिया, पूरा देश का सोना लूट कर चले गए, देश पर अत्याचार किए। क्या क्या है दोस्तों, पहले ज़माने में जो बैंक नहीं था, इसी के कारण लोग क्या करते थे कि जो सोने की चीज के जो जेवर थे, जो गहने थे, वो किसी मटके में, संदक में, पेटी में रखकर उसे में क्या गाड़ देते थे। बहुत बड़ा सोना है तो थोड़ा नीचे गाड़ते थे, छोटा सोना है तो थोड़ा वो ऊपर गाड़ते थे। अगर बहुत बड़ा सोना है तो उस पर कोई टोटका करते थे, अगर छोटा सोना है तो उस पर कोई टोटका नहीं करते थे। क्या है दोस्तों, अभी कोई लोग क्या घर में गाड़ते थे, ठीक है, लेकिन कोई लोग दोस्तों खेत में गाड़ते थे, कोई लोग जंगल में गाड़ते थे। तो ऐसा सुनसान जगह पर अगर किसी ने संदक, पेटी, मटका अगर कहीं गाड़ दिया सोने का भरा हुआ, तो उसको बाद में वो याद नहीं रहता जमीन। क्या हमने अभी आप देख सकते हैं, आपके हाथों से आपको एक चीज़ घर में रखती है तो आपको अभी वो मतलब याद नहीं रखता, आपके सामने एक चीज़ होती है कि आपको मिलती नहीं, तो जमीन में गाड़ा हुआ माल कैसे मिल सकते हैं, उसकी जगह आपकी कैसे पहचान में रह सकती है। इसके कारण वो जगह पहचान में रहे, जगह वो जल्दी पहचान सके, इसके कारण वहाँ पर वो लोग क्या कर देते, पेड़ लगा देते। मान लीजिए अभी कोई जंगल है, तो क्या है दोस्तों, कोई जंगल है तो वहाँ पे सब मतलब नीम के पेड़ है, सब नीम के पेड़ है, तो लोग क्या करते थे, विशेष प्रकार का पेड़ लगाते थे कि वहाँ पर वो पीपल का पेड़ लगाते थे, कहीं पर बरगद का पेड़ लगाते थे। क्या ये ऐसा लगाते थे, मतलब वो जंगल में वैसा आसपास कहीं पेड़ नहीं, वैसा वो पेड़ लगाते थे, क्योंकि वो जल्दी से पहचान में आ जाए कि ये मेरा ही पेड़ है, ये मैंने लगाया हुआ पेड़ है, जिसके नीचे मेरा माल है। ऐसा लोग कुछ करते थे। देखिए, हर जंगल में हर पेड़ के नीचे कोई धन नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ लोग पहले ज़माने में करते थे। अभी क्या दोस्तों, ये बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, अभी लोग इतना बताते नहीं है। पहले ज़माने में लोग डायरेक्टली बोलते थे कि मेरे को सोना मिला, मुझे यहाँ पे सोना दिखा, लेकिन इस ज़माने में लोग बोलते नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी कानून है, सख्त कानून है, सख्त सरकार है, इसी वजह से लोग डरते हैं बताने के लिए। क्या देखिए, पहले ज़माने में लोग बताते थे दोस्तों, ऐसे धन पेड़ के नीचे होते थे, बहुत से लोगों को पेड़ के नीचे धन मिले हैं। क्या तो देखिए, मैं हमारे चैनल का दोस्तों संदेश इतना ही है कि भाई ऐसे काम के पीछे आप मत भागिए, अच्छा काम करिए, नेक काम करिए, कानून का पालन करिए, धर्म का काम करिए। क्या है कि ऐसी घटना कुछ पहले ज़माने में होती थी, उसके कोई राज थे, वही हम आपको बताते हैं। लेकिन किसी अंधश्रद्धा के पीछे आप मत भागिए, किसी ढोंगे बाबा के पीछे आप मत भागिए। क्या इसमें आपका नुकसान हो सकता है, आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो नेक काम करिए, अच्छा काम करिए। क्या अब दोस्तों, मान लीजिए ऐसा धन किसी को मिल भी जाए, लेकिन वो सुख शांति नहीं देता, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि ऐसे धन जिसको मिलते हैं उसकी खानदान बर्बाद कर देते हैं। वो तो आदमी अमीर बनता है, लेकिन उसको सुख शांति नहीं मिलती।
दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।